अखर नाख से सो सो कह रहे हो कभी कबीर पर्वत तारे से त्यों एक से शरीर बुड्ढो हो शेख फरीद किसे शरीर बुड्ढा हो शेख फरीद कंपन लगी दे कंपन लगी दे नैनो नीर बहे तनखी ना क्यों एक से शरीर नैनो नीर बहे तनखी ना भय केश दुधवानी भय केश दुधवानी रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे एक से शरीर बुढ़ा हो शेख फरीद रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी ए शरीर जजरी है ए शरीर जजरी है इसनु जर पहुंचे यार पर भाते तारे खिसे रैन गई पर भाते तारे खिसे रैन गई मत दिन भी जा जुमे रात पैंदी ते रात दा सुहावनापन उंदी सुंदरता की है रात विच तारियां दी बहु गिनती आसमान ते चमकन वाले तारे ही उंदी सुंदरता ने मनो रात काली है ते जोबन जवानी भी काली है जिवें रात हमेशा नहीं रहंदी जवानी जोबन भी हमेशा नहीं रहंदा एक कालापन चिट्टेपन विच बदलदा है काला दाड़ा चिट्टा हुंदा जांदा है मानो रात दिन विच बदल रही ते रात जदों दिन विच बदलदी है आसमान ते चमकदे ओ तारे जिहड़े रात दी सुंदरता ने ओ आहिस्ता आहिस्ता खिसकने शुरू हो जाते खिसे दा अर्थ है खिसकना चला जाना ओ आहिस्ता आहिस्ता अलोप होने शुरू हो जाते ने ते जदों तारे अलोप होने शुरू हो जान समझो दिन चढ़न वाला है हुण ए रात नहीं रहनी बाबा कबीर जी ने भी एहो एग्जाम्पल दिती कहन लगे प्रभाते तारे खिसे प्रभात हुंदी है दिन चढ़न वाला हुंदा है तारे खिसक जांदे ने अलोप हो जांदे अपना टिकाना छड़ जांदे ने अपनी सुंदरता त्याग जांदे ने कहिंदे ने इसे तरह
जदों जवानी तो बुढ़ेपे दी प्रभात चिट्टा दिन चिट्टे रोम शुरू हुंदे ने उदों शरीर दी सुंदरता उनदा बल उनदे सफल काम करन वाले इंद्रे कन जबान सब कुछ पैर हाथ अपना काम कार त्यागना शुरू कर देंदे। सतगुरु ने बाणी अंदर एहो गल आखी कह लगे थाके नैन सरवन सुन थाके थाकी सुंदर काया सब कुछ इस काया दा शरीर दा थक थक के अलोप होना शुरू हो गया क्योंकि रात चली गई ते दिन प्रभात चढ़ना शुरू हो गया मानो तारे खिसकने शुरू हो गए। बाबा कबीर कहन लगे प्रभाते तारे खिसें त्यों एक खिसे शरीर अलोप हो गए चले गए साथ छड़ गए। पर कहन लगे ए दोए अखर ना खिसें वो दो अखर केड़े ने वो भी आपा विचारने जिहड़े जांदे नहीं हमेशा नाल रहिंदे ने जोबन विच भी नाल हुंदे ने बुढ़ेपे विच भी नाल हुंदे ने। गुरु ने बाणी विच आख्या जय मात पिता सुत मीत न भाई मन ऊहा नाम तेरो संग सहाय। वो दो अखर आपा विचारने ने पर मैं सोचना अज दे इस समागम विच आपां केवल शरीर जिहड़ी गल पहलां कीती ने ओह विचार लईए। फिर किसे वक्त ओह दो अखरां बारे भी बड़ी डूंगी विचार है जिहड़ी विचारांगे। अज दे विचार ने शरीर ते संसार है कि संसार विच आउण वाले हर जीव नूं मुख रूप विच एक स्थूल शरीर ही तां मिलदा है क्योंकि शरीर विच ही प्रभु जोत रख के भेजदा है। सतगुरु ने बाणी विच आख्या ऐ शरीरा मेरे आ हर तुम में जोत रखी ओही तां मिलदा है। हर जीव पशु पंखी मनुख किसे भी रूप विच भी आउंदा है किसे शरीर नूं नाल लेके आउंदा है। ये देखना शरीर नूं नाल लेके आउंदा है बल्कि सृष्टि की रचना करन वेले शरीर की रचना करनी पई क्योंकि उनदे विच जोत रखनी सी। इसलिए गुरु अमरदास पातशाह जी ने इस शरीरा मेरिया नूं मुखातिब करके अखीरली लाइन विच इह गल आखी कहन लगे कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया। जदों सृष्टि दा मूल आरंभ बुनियाद आरंभी तां की कीता कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तां तू जग में आया। शरीर नूं मुखातिब कर रहे शरीर क्योंकि कर्म धरती है ते इस दी मनी महानता है आखर अपनी थावे क्योंकि मनुख आया तो कर्म करन लिए ते शरीर कर्म धरती शरीर। इसलिए शरीर दे भी जिन्ना चिर संसार अंदर रहना है शरीर दे मोहताज हर कर्म इन्हें शरीर करके ही करना। इसलिए इस जीव दा शरीर दा साथी होना इनू चंगा लगदा है। जीव शरीर नू संभाल संभाल रखदा है इत्थे ही बस नहीं शरीर ते मान भी करदा है दौलत ते सियाणप ते भी मान करदा है पर शरीर बलवान होवे इहदा सब तो ज्यादा मान मनुख नू हुंदा है। बलवान शरीर चाहीदा है पर सोचियो जे ये शरीर ही साथ देना छड़ जाए ते छड़न लग पवे परबाते तारे खिसे त्यों ए खिसे शरीर जिंदी इन्नी लोड़ मनुख प्रतीत करे इस संसार विच। संसार विच आउन लई इहनूं शरीर चाहीदा सी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਉਹਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਨਹੋਂਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਾਲੀ ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ ਪਚਾਸੀ ਪੱਗ ਖਿੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਚਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੱਠਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਗ ਖਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗ ਬਗੈ। ਚਾਲੀ ਸੀਪੁਰ ਹੋਏ ਪਚਾਸੀ ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ। ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਪੱਗ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੱਠ ਤੇ ਸੱਠੀ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢੇਪਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਬੁਢਾਪੇ। ਓਲਡ ਜੇ ਪਿਛਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੱਠੀ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 550 ਵਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, 40 ਸੀ ਪਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖਿੱਸੈ, ਸੱਠੀ ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਹੋਵੇ। ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥੀ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨੀ ਵੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਈ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਿੱਸੈ ਜੋਬਨ, ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਖਿੱਸੈ ਜੋਬਨ ਬਦੈ ਜਰੂਆ ਦਿਨ ਨਿਹਾਰੇ ਸੰਗ ਮੀਚ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਨਿਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਨਾ ਫਿਸੈ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਹਉ ਨਾ ਛੋਡੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ tare khise parvate tare khise kyo ek khise sharir kyo ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਸਰੀਰ ਪਰਭਤ ਤਾਰੇ ਖਿੱਸੇ ਪਰਭਤ ਤਾਰੇ ਖਿੱਸੇ ਪਰਭਤ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ
रात दी सुंदरता सन, जेड़े इंद्रे जेड़े शरीर दे अंग अखां नक कन जेबा हाथ पैर बाबा फरीद जी ने एवं नहीं आख्या इन्नी निकी जंगी है थल डूगर भवे हों आज फरीद है कुजड़ा सा को हाथी हों इस शरीर दे ओ अंग मन नूं इउं ही अलोप हुंदे गए इउं ही साथ छड्ड दे गए जिवें रात दी सुंदरता तारे दिन चढ़न नाल दिन दे आरंभ होण नाल अपना टिकाना छड़ जांदे ने अलोप हुंदे जांदे ने कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों ए खिसे शरीर हाँ जेड़ी गल संभालन वाली है वो है ना खिसन वाली चीज जेड़ी साथ ना छड़े हर पल नाल रवे तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जियो कोई ऐसा जिंदगी दा समा स्थान ना होवे जिथे मैं उन्दे तो वक्ख हो जा इसलिए मैनू हमेशा उन्दा पल्ला फड़ के रहना चाहिदा है इन्हां शब्दां नाल खिमांदा जा चखा फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।